छोड़िए वो बातचीत जो चली जो चली रात के 1 बजे तक, तो बात नहीं चली तो नहीं चली। सपा सुप्रीमो की ये नाराजगी, ये गुस्सा किसी और के लिए नहीं, अपने सियासी दोस्त कांग्रेस के लिए है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है। ऐसा लगता है मानो सीट बंटवारे को लेकर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की बात उन्हें काफी बुरी तरह चुभ गई है। बता दें कि सीटों के तालमेल को लेकर अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। सपा का दावा था कि अखिलेश यादव तो 5 सीट लेने पर भी राजी हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन उन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जिन पर समाजवादी पार्टी का दावा था, जिसके बाद अखिलेश ने कांग्रेस को 2 टुक में कह दिया कि गठबंधन केवल देश के स्तर पर है, आगे भी देश के स्तर पर ही रहेगा, राज्य स्तर पर आगे कभी नहीं होगा। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। मध्य प्रदेश में कुछ आपकी बातचीत चल रही होगी, बाकी नहीं। अब छोड़िए वो बातचीत जो चली रात के 1 बजे तक, तो बात नहीं चली तो नहीं चली। महाभारत काल में पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, लेकिन कौरव उन्हें सुई की नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं हुए और इसी बात पर महाभारत हो गई। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी ऐसे ही हालात बन गए हैं? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को तो कम से कम ऐसा ही लगता है। एमपी चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ठन गई है। अखिलेश यादव ने तो इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की धमकी तक दे डाली है। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव, और मैं अखबारों में क्या खबर छप रही, क्या गठबंधन हो रहा, किसका अखबार वालों पे ऐड मिल जाता है तो वो कहते हैं इससे गठबंधन हो रहा है, न्यूज़ वालों को गठबंधन के लिए भी पैसे मिल जाते हैं, ये छाप तो इससे गठबंधन हो रहा है। हम समाजवादियों को परवाह नहीं है कि क्या अखबार में चल रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहे। समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। गौरतलब है कि सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच जो फॉर्मूला तय हुआ था उससे कांग्रेस मुकर गई। बस यहीं से दोनों के बीच बात बिगड़ने लगी, जिसका असर 2024 में भी पड़ सकता है। कम से कम अखिलेश की बातों से तो यही लगता है लोकसभा के मद्देनजर एमपी में भड़की आग से यूपी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की दूरियों को और बढ़ा देगी, जिसका सीधा फायदा भाजपा को ही होने वाला है।